ओवरसीज प्राइम की तमाम सेक्टर्स के हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट फुटेज के साथ मेरा नाम आमिर रफीक और मेरा ताल्लुक 5G प्रॉपर्टीज के साथ, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का प्लैटिनम सेल्स पार्टनर है। 5 फरवरी 2022 की फुटेज में आप देख सकते हैं ओवरसीज प्राइम का मेन बुलेवार्ड, 180 फीट का बुलेवार्ड जिस पर कंस्ट्रक्शन और ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। वीडियो के आखिर में ओवरसीज प्राइम के बुलेवार्ड के लेफ्ट साइड पर जो 4 सेक्टर्स हैं उसका भी तस्करा होगा। वीडियो हमारे साथ देखते रहिए। आपकी कंटिन्यूड सपोर्ट का शुक्रिया कि आप मेरे हर वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, अप्रिसिएशन देते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 180 फीट बुलेवार्ड की फेसिंग पे 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं सेक्टर जी में, जबकि रिमेनिंग प्लॉट सेक्टर जी में 10 मरला के हैं। मेन बुलेवार्ड पर राइट साइड पे जो सबसे पहला ब्लॉक आ रहा है वो है सेक्टर जी। ओवरसीज प्राइम में जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सेक्टर है वो सेक्टर जी ही है। सेक्टर जी की तमाम अंडरग्राउंड लेन्स, सीवरेज पाइप्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस बिछा दिए गए हैं और सेक्टर जी अब अपने आखिरी मराहिल में यानी कि एस्फॉल्ट के काम पे है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सेक्टर जी का पार्क, जिसके राइट साइड पर पार्क फेसिंग 10 मरला के प्लॉट्स हैं और इन 10 मरला प्लॉट्स के राइट साइड के ऊपर 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। सेक्टर जी की ड्रेनेज का काम चल रहा है, कुछ जगह पर मुकम्मल है, लेन्स की लेआउट मुकम्मल हो चुकी है, कटिंग एंड फिलिंग मुकम्मल हो चुकी है। 10 मरला के ब्लॉक्स के लिहाज से सेक्टर जी बाकी सेक्टर के और जे से बड़ा है। फुटेज को आप करीब से देखें तो सीवरेज होल्स का काम मुकम्मल हो चुका है सेक्टर जी में। मास्टर प्लान में अगर आप देखें तो सेक्टर जी के साथ एक छोटी सी झील और एक पार्क है, उस पार्क की साइट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी सेक्टर जी के लेफ्ट साइड के ऊपर सेक्टर ई की फुटेज आएगी, वो हम वीडियो के मिड में ज़रूर देखेंगे। और अब हम जिस ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं वो है सेक्टर डी। ओवरसीज प्राइम का सेक्टर डी 7 मरला का ब्लॉक है, जिसके राइट साइड पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद है। सेक्टर डी की अगर आप प्रोग्रेस देखें तो कटिंग एंड फिलिंग ऑलमोस्ट मुकम्मल है, लेंस का लेआउट मुकम्मल हो चुका है और ये सेक्टर डी के लेफ्ट साइड पे आप सेक्टर ई देख रहे हैं, जिसका हम बाद में तस्करा ज़रूर करेंगे। सेक्टर डी का अभी तक सीवरेज का काम, अंडरग्राउंड लेंस का काम शुरू नहीं हुआ। सेक्टर जी से जब मशीनरी फ्री होगी अंडरग्राउंड पाइपिंग की तो वो सेक्टर डी पर शिफ्ट हो जाएगी। सेक्टर डी का प्लस पॉइंट ये है कि ये एक हाइटेड ब्लॉक है बनिस्पत सेक्टर जी के। राइट साइड पे जो आप रोड देख रहे हैं ये चक्री रोड है, जिसके चक्री फेसिंग रोड के ऊपर कमर्शियल्स लॉन्च होंगे, जिसको सोसाइटी ने अभी तक लॉन्च नहीं की। अब आप अपनी स्क्रीन पर सेक्टर सी की स्ट्रीट्स देख सकते हैं, जिसका कुछ ही देर में हम तस्करा ज़रूर करेंगे। सेक्टर सी 12 मरला का ब्लॉक है, जिसके साथ सेंट्रल कनेक्टिंग रोड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसकी ब्राउनिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। इसी सेंट्रल रोड की कनेक्टिविटी आगे एक्सेस रोड 1 से हो रही है, यानी कि करंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी की एंट्रेंस की जो सोल रोड है उसके साथ ओवरसीज प्राइम को कनेक्ट किया जाएगा। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे ब्लॉक देख रहे हैं ये सेक्टर बी है ओवरसीज प्राइम का, जिसमें 1 कनाल के प्लॉट्स, 12 मरला और 7 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। सरप्राइजिंगली 7 मरला के प्लॉट्स यहाँ पर लेक फेसिंग भी मौजूद हैं। इसी ब्लॉक में 120 फीट की रोड की फेसिंग 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। ये ब्लॉक थोड़ी सी निचली सतह पर है और इसमें स्लोप मौजूद है। सेक्टर बी पर आप इस टाइम अपनी स्क्रीन के ऊपर कटिंग एंड फिलिंग का काम देख सकते हैं और सीवरेज का वर्क होता हुआ देख सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप ओवरसीज प्राइम की 3 माह पहले की वीडियो देखे हैं तो सेक्टर बी पर हार्डली कोई 10-20% का काम हुआ था। 3 माह के अंदर इन्होंने रैपिडली इसकी कटिंग एंड फिलिंग तकरीबन मुकम्मल कर ली है। सेक्टर बी में बाकी सेक्टर्स की बनिस्पत बहुत ही कम फिलिंग है। हो सकता है कि लोएस्ट आपको 5 फीट की फिलिंग मिले और मैक्सिमम कहीं किसी जगह पर 10 फीट की फिलिंग हो। ओवरऑल इनिशियल प्लॉट जो हैं इसके यहाँ पर फिलिंग नहीं है। वर्ल्ड वाइड लेक फेसिंग प्लॉट्स की बड़ी वैल्यू है। पूरे कैपिटल स्मार्ट सिटी में वाइड सेक्टर बी है ओवरसीज प्राइम का, जिसमें छोटा प्लॉट यानी कि 7 मरला का प्लॉट लेक के बिल्कुल करीब है। उन 7 मरला प्लॉट्स की बैक साइड लेक फेसिंग है। इसी सेक्टर बी के साथ सेक्टर ए है, जिसमें टाउन हाउसेज और डुप्लेक्स विलाज हैं, जिसको सोसाइटी ने अभी तक सेल आउट नहीं किया। सेक्टर बी का एक और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ग्रीन स्पेस बहुत ज़्यादा है बनिस्पत बाकी सब सेक्टर्स के। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो सेक्टर डी हमने विजिट किया है, उसके अंदर सेक्टर पार्क नहीं है, क्योंकि उसकी बैक साइड पर झील है और एक बड़ा पार्क है। उसी के साथ हमने सेक्टर सी को विजिट किया है लेकिन उसको अभी तक एनालाइज नहीं किया। उसके बाद हम अगर आ जाएँ सेक्टर बी में तो सरप्राइजिंगली ग्रीन स्पेस होने के अलावा यहाँ पर 4 छोटे सेक्टर पार्क्स भी मौजूद हैं। ये जो नीचे रोड की ब्राउनिंग का काम आप देख रहे हैं ये सेक्टर बी को सेक्टर ए से अलहदा करती है। सेक्टर ए को अभी तक सेल आउट नहीं किया गया, जिसमें टाउन हाउसेस हैं, डुप्लेक्स विलाज हैं
हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं और लेक फेसिंग कमर्शियल्स हैं। ये झील जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, जब इसको 50 फीट हाइट के ऊपर रेज किया जाएगा तो डेफिनेटली एक मेसमराइजिंग व्यू ज़रूर आएगा। ये रॉ लैंड जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो ग्रीन स्पेस है जो सेक्टर बी के अंदर मौजूद थी। ये वही ग्रीन स्पेस है जो सेक्टर बी और सी को आपस में अलहदा कर रही है। इसी रॉ लैंड को बाद में अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर यूटिलाइज कर दिया जाएगा। ओवरसीज सेंट्रल में 12 मरला का ब्लॉक नहीं है, लेकिन ओवरसीज प्राइम में तो है। सेक्टर सी 12 मरला का एक्सक्लूसिव ब्लॉक ओवरसीज प्राइम में। ओवरसीज प्राइम के सेक्टर सी में हार्डली 70-80% कटिंग एंड फिलिंग का काम हुआ है। सीवरेज और अंडरग्राउंड रोड नेटवर्क का काम अभी तक इस पर शुरू नहीं हुआ। लोकेशन वाइज बड़ी ही अच्छी लोकेशन है सेक्टर सी की, कॉर्नर ब्लॉक जैसी हैसियत रखता है। और अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सेक्टर ई। सेक्टर डी भी 7 मरला का है और इसके साथ सेक्टर ई ये भी 7 मरला का ब्लॉक है। डेवलपमेंट फेज वाइज सेक्टर ई और सेक्टर बी एक स्टेज के ऊपर है। ओवरसीज प्राइम की मैंने जो ओल्ड 3-4 माह पहले वीडियो बनाई थी उसमें सेक्टर ई के ऊपर आप देखें तो शायद ही कोई 1% या 10% काम हुआ था। दिल ही दिल में ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे ज़मीन का मसला तो नहीं, लेकिन ग्रेजुअली इसकी तमाम कटिंग कर दी गई है, यहाँ पर फिलिंग ज़ीरो है। ओवरसीज प्राइम का सेक्टर ई, इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर 5 छोटे सेक्टर पार्क्स भी मौजूद हैं। सेक्टर ई में कटिंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, यहाँ का डेवलपमेंट वर्क फर्दर 5-6 मंथ्स ज़रूर लेगा। और अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट ब्लॉक सेक्टर एफ में। सेक्टर एफ की इनिशियल स्ट्रीट्स एक कनाल की हैं, जिसमें ऊपर जो आप एक रोड देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर 4 कनाल के प्लॉट्स हैं और हमारी साइड पर 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। सेक्टर एफ की कटिंग एंड फिलिंग का काम मुकम्मल है और स्ट्रीट्स की लेआउट का काम तकरीबन मुकम्मल है। सेक्टर एफ का प्लस पॉइंट ये है कि एक कॉर्नर ब्लॉक है जिसकी 2 साइड के ऊपर 120 फीट की रोड्स कनेक्ट कर रही हैं। ओवरसीज प्राइम की अगर आप इस हाइटेड स्ट्रीट के ऊपर खड़े हो जाएं तो ना सिर्फ आपको ओवरसीज प्राइम का कंप्लीट व्यू मिलता है, जबकि कैपिटल हिल्स ब्लॉक का भी कंप्लीट व्यू मिलता है और ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक का भी मिलता है। और इसी स्ट्रीट की लेफ्ट साइड से अगर आप खड़े होकर देखें तो आपको एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 1 का भी व्यू मिलता है। इन शॉर्ट, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जब इसको लॉन्च करने से पहले ये कहा था कि ओवरसीज प्राइम से आपको पूरे कैपिटल स्मार्ट सिटी की कंप्लीट स्काईलाइन मिलेगी, तो वो बात गलत नहीं थी, हकीकत थी। ये जो स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये वो 4 कनाल का विला है जो कि CEO HRL यानी कि जायद रफीक साहब का विला है। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मेन बुलेवार्ड के राइट साइड पर हमारी कवरेज का लास्ट ब्लॉक सेक्टर एच की वीडियो देख रहे हैं। 1 कनाल का बहुत ही बड़ा ब्लॉक सेक्टर एच। सेक्टर एच के फर्स्ट फेज पर ब्राउनिंग का काम मुकम्मल है और स्ट्रीट्स की निशानदेही मुकम्मल कर दी गई है, जबकि सेक्टर एच के सेकंड फेज के ऊपर ब्राउनिंग अप्रॉक्सीमेटली 50% मुकम्मल हुई है। इसी सेक्टर एच को कनेक्ट कर रही है हमारी मेन 180 फीट की बुलेवार्ड। सेक्टर एच से कनेक्टिंग मेन 180 फीट की बुलेवार्ड एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 1 को टच करेगी और करंटली यहां पर ज़मीन एक्वायरेशन का प्रोसीजर अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ओवरसीज प्राइम के लेफ्ट साइड के ऊपर ऑपोजिट सेक्टर एच यानी कि सेक्टर के जो कि 10 मरला है उसकी ज़मीन अभी तक एक्वायर्ड नहीं हुई। मेरी कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट से दरख्वास्त है कि सेक्टर के की फ़िलहाल बैलेटिंग ना की जाए या तब की जाए जब इसकी ज़मीन एक्वायर्ड हो जाए। सेक्टर के नो डाउट बहुत ही अच्छा ब्लॉक है लेकिन सिर्फ हवा में है, आई रिपीट अभी तक ज़मीन एक्वायर्ड नहीं हुई। इसी तरह सेक्टर एल 7 मरला का ब्लॉक है जिसको बैलेटिंग में भी नहीं लाना चाहिए। अब जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये सेक्टर जे की है। मेन बुलेवार्ड से बिल्कुल लेफ्ट साइड पर जो पहला ब्लॉक आ रहा है वो सेक्टर जे ही है। इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो सेक्टर जे में अप्रॉक्सीमेटली 60-70% कैपिटल स्मार्ट सिटी ने लैंड एक्वायर्ड कर लिया। एक अच्छी खबर सेक्टर जे वालों के लिए कि जिस एरिया को सेक्टर जे का कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक्वायर किया है यहाँ पर ब्राउनिंग का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने अपनी सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी बना दी है। सेक्टर जे का अभी तक मुकम्मल एरिया एक्वायर्ड नहीं है, इसलिए रीसेल ऑप्शंस में आप सेक्टर जे को फ़िलहाल अवॉइड करें और होपफुली सेकंड फेज़ में सेक्टर जे में कैपिटल स्मार्ट सिटी फर्दर प्लॉट्स की सिलेक्शन को अवॉइड करेगी। ये आप देख सकते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की सिक्योरिटी चेक पोस्ट जिसके ऊपर FDHL भी लिखा हुआ है।
और ये वो राइट साइड पर जमीन जो कि अभी तक एक्वायर्ड नहीं कर पाए सेक्टर जे की, जहां पर आप देख सकते हैं काश्तकारी हो रही है और भाई ने रिसेंटली अपना मकान यहाँ इधर बनाया है या इसको रेनोवेट किया है। इसी चीज़ को फर्दर कन्फर्म करने के लिए मैंने जूम इन किया था कि शायद यहाँ पर FDHL की ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट हो, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, ये बेशक एक मकामी अफराद का मकान ही है। व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मुझे इनकरेज करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें या फीडबैक देने के लिए मेरे नंबर पर रब्ता ज़रूर करें 0331-3444-004।